नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी तक हम लोग 4 चैप्टर खत्म कर चुके हैं कंप्यूटर साइंस से संबंधित। चौथा चैप्टर था कंप्यूटर मेमोरी। इस चैप्टर में बात करेंगे डेटा निरूपण के बारे में। ये आपका 5वां चैप्टर है। याद रखिए 12-13 चैप्टर खत्म करेंगे हम लोग कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से संबंधित, और फिर उसके बाद आपके 15 से 20 हम लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे। इतना आपके लिए कवर करने के बाद आपको कहीं भी कंप्यूटर साइंस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आपकी कोई भी 1 डे एग्जाम हो, फिर चाहे लिखित एग्जाम हो, दोनों ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इतने लेक्चर देखने के बाद। ठीक है, तो कंप्लीट कोर्स रहेगा ये कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान जो भी आपका रहता है। डेटा निरूपण, कंप्यूटर डेटा के निरूपण के लिए बाइनरी भाषा का प्रयोग करता है। ये बाइनरी भाषा 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। उपयोगकर्ता कंप्यूटर को जो भी डेटा या निर्देश इनपुट के रूप में देता है या कंप्यूटर से जो भी आउटपुट प्राप्त करता है वह अक्षर, संख्या, संकेत, ध्वनि या वीडियो के रूप में होता है। इन सभी डेटा या निर्देश को पहले बाइनरी भाषा में बदला जाता है, अर्थात डेटा को 0 और 1 के रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को डेटा निरूपण कहते हैं। अब आपकी कहीं भी पूछ लेता है कि डेटा निरूपण क्या है, तो आप ये परिभाषा लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, और जो हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे आपके, वो 1 डे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट रूप में रहेंगे हमारे मॉक टेस्ट। ठीक है, तो लगा लेना आप लोग मॉक टेस्ट जब हम लोग बात करेंगे। फिर बात करते हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संख्याओं का समूह होता है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में किसी डेटा निर्देश को व्यक्त करने के लिए करते हैं। कंप्यूटर को डेटा या निर्देश अलग अलग संख्या पद्धति में दिया जाता है, और कंप्यूटर अलग अलग संख्या पद्धति में डेटा को निरूपित करता है, किंतु आंतरिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर बाइनरी भाषा का ही प्रयोग करता है। बात करते हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के प्रकार। कंप्यूटर सिस्टम 2 द्वारा प्रयोग की जाने वाली संख्या पद्धतियां मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। कितने? 4। इनमें आपका बाइनरी संख्या पद्धति है, दशमलव संख्या पद्धति है, ऑक्टल संख्या पद्धति है, हेक्सा डेसिमल संख्या पद्धति है। बाइनरी या द्विआधारी संख्या प्रणाली, इस संख्या प्रणाली में केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1, जिस कारण इसका आधार 2 होता है, इसलिए इसे द्विआधारी या बाइनरी संख्या प्रणाली कहा जाता है। जिस प्रणाली में कंप्यूटर की मुख्य पद्धति बनती है वह स्विच की तरह कार्य करती है। स्विच केवल 2 स्थितियां होती हैं, ऑन और ऑफ, इसके अलावा कोई तीसरी स्थिति संभव नहीं है। इस आधार पर कंप्यूटर संख्या प्रणाली में 0 का अर्थ होता है ऑफ से, और जो 1 है, 1 है, इसका अर्थ होता है ऑन से। बाइनरी प्रणाली का आधार 2 होने के कारण उसके स्थानीय मान दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः दोगुने होते जाते हैं, अर्थात 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 आदि। ये संख्याएं द्विआधारी के घातों में क्रमशः 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरह 6, ठीक है, आदि के रूप में लिखी जा सकती हैं। इसी प्रकार बाइनरी बिंदु कि बाईं ओर स्थानीय मान 2 की घातों के रूप में भी घटते क्रम, जैसे 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 या 3, ठीक है, आदि। अब बात करते हैं हम लोग दशमलव या दशमिक संख्या के बारे में, डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली संख्या पद्धति को दशमिक या दशमलव संख्या प्रणाली कहा जाता है। इस संख्या प्रणाली में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 10 संकेत मान होते हैं,
जिस कारण इस संख्या प्रणाली का आधार 10 होता है, 10 होता है। दशमलव प्रणाली का स्थानीय मान संख्या के दाईं से बाईं दिशा में के आधार पर 10 की घात की वृद्धि के क्रम के रूप में होता है। दशमलव प्रणाली के स्थानीय मानों को निम्न प्रकार से साझा समझा जा सकता है। स्थाई स्थान दाईं से बाईं ओर, स्थानीय मान 10 की घात 1, इकाई 10 की पावर 0, 2 दहाई 10 की पावर 1, सैकड़ा 10 की पावर 2, हजार 10 की पावर 3, 10,000 10 की पावर 4, लाख 10 की पावर 5, 7,10,00,000 10 की पावर 6। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि दशमलव संख्या प्रणाली में स्थानीय मान दाईं ओर से बाईं ओर 10 की घात के रूप में बढ़ते जाते हैं। इसी तरह दशमलव बिंदु के दाईं ओर स्थानीय मान 10 की घातों के रूप में ही घटते जाते हैं, जैसे 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4 या 4 आदि। किसी संख्या के वास्तविक मान का पता करने के लिए उसके प्रत्येक अंक के मुख्य मान को उसकी स्थानीय मान से गुणा करके उन्हें जोड़ लेते हैं। उदाहरण के लिए दशमलव संख्या 34-37 का अर्थ है संकेत मान, अंकों का के मान 3, 4, 3, 7। स्थानीय मान दाईं से बाईं ओर 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 बराबर 10, 10 की पावर 2 बराबर 100, 10 की पावर 3 मतलब 1000। दशमलव संख्या के मान 7, 30, 400, 3000 यानी कि 3437। अब बात करते हैं हम लोग ऑक्टल, क्या ऑक्टल या अष्ट आधारी संख्या प्रणाली। ऑक्टल संख्या प्रणाली में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन 8 अंकों का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण इसका आधार 8 होता है। इन अंकों के मुख्य मान दशमलव संख्या प्रणाली की तरह ही होते हैं। ऑक्टल संख्या प्रणाली इसलिए सुविधाजनक है क्योंकि इसमें किसी भी बाइनरी संख्या को छोटे रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्टल, ये बाइनरी 0 को 000, 1001, 2010, 3011 ऑक्टल। इसी तरह 4 को 1000, 5101, 6110, 7111 ये आपके ऑक्टल नंबर होगा, ये बाइनरी नंबर होगा। ठीक है, इस प्रणाली का प्रयोग मुख्यतः माइक्रो कंप्यूटर में किया जाता है। आधार 8 होने के कारण अष्टमिक संख्या प्रणाली में अंकों के स्थानीय मान दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः 8 गुने होते जाते हैं। 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3 डॉट डॉट आदि। ऑक्टल बिंदु के दाईं ओर में क्रमशः 8 की पावर -1 या -1, 8 की पावर -2, 8 की पावर -3 डॉट डॉट 1 आदि। उदाहरण के लिए ऑक्टल संख्या 144 होल 8 का अर्थ होगा, ये संकेत मान हो गए, ये अंकों के मान हो गए, स्थानीय मान हो गए दाईं से बाईं दिशा में, ऑक्टल संख्या के मान हो गए 1, 4, 4। इस तरह अंकों के रूप में लिखेंगे 1, 4, 4। इस तरह हम लोग स्थानीय मान में, और ये ऑक्टल संख्या। बात करते हैं हम लोग किसी भी संख्या को प्रदर्शित करते समय संख्या को कोष्टक में बंद करके दाईं ओर नीचे उसका आधार बेस लिखा जाता है, जिसे हमें पता चलता है कि दी गई संख्या किस प्रणाली की। इस तरह अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल या सड़सठ दशमिक संख्या प्रणाली। हेक्साडेसिमल शब्द 2 अक्षरों से मिलकर बना है, हेक्साडेसिमल। हेक्सा से तात्पर्य 6 तथा डेसिमल से तात्पर्य 10 से है। अतः इस संख्या प्रणाली में कुछ 16 है, 0 से लेकर
9 तक संख्या में, फिर ए बी सी डी ई एफ अंक होते हैं। इसका मुख्य मान क्रमशः 0 से 15 तक होते हैं, परंतु 10, 11, 12 आदि को दो अलग अलग अंक ना समझ लिया जाए, इसलिए हम अंकों को 10, 11, 12, 13, 14, 15 के स्थान पर क्रमशः बन ए बी सी डी एफ अक्षर लिखते हैं। इस प्रकार इस प्रणाली में 10 अंक 6 वर्णों का प्रयोग किया जाता है जो निम्नलिखित हैं आपके, ठीक है। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में अंकों के स्थानीय मान दाईं ओर से बाईं ओर 10 के गुणक में बढ़ते हैं, जैसे 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। इसी प्रकार हेक्साडेसिमल बिंदु के बाद उसके स्थानीय मान के 16 के गुणकों में घटते जाते, जैसे 16 की पावर -1, 16 की पावर -2, इसी तरह। उदाहरण के लिए हेक्साडेसिमल F6A4 कोष्टकबंध 20 16, आधार 16, ये आपके संकेत में हो गए, ये अंकों के रूप में हो गए, ठीक है, स्थानीय मान हो गए और ऑक्टल संख्या हो गई। हम किसी भी संख्या को किसी भी संख्या प्रणाली में लिख सकते हैं। आगे अब बात करते हैं हम लोग उदाहरण के लिए 16 संख्याओं को दशमलव, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। ये आपका दशमलव हो गया, ये बाइनरी हो गया, ऑक्टल और हेक्सा। किस तरह लिखे जा सकते हैं 16 संख्या को, जैसे दशमलव में 0, बाइनरी में भी 0, ऑक्टल में भी 0 को 0, हेक्सा में भी 0। इसमें 1 में 1, बाइनरी में 1, 1, 1। दशमलव में 2 को 10, 10 लिखेंगे, 10 नहीं है, 10 है, बाइनरी में 2 2। 3 3 को 11 3 3, ठीक है, ये देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संख्या पद्धतियों का आपस में परिवर्तन, एक पद्धति से दूसरी संख्या पद्धति में परिवर्तन आवश्यक होता है, क्योंकि उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट किया गया डेटा दशमलव संख्या में होता है, जिसके बाद कंप्यूटर इनपुट किए गए डेटा को उस संख्या पद्धति में बदल देता है जिसमें उसे सुविधा हो। एक डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम में एक समय में 3 या 4 संख्या पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, इसी कारण ये संख्या पद्धति को आपस में परिवर्तित कराया जाता है। विभिन्न संख्या पद्धतियों को आपस में परिवर्तित करने की चर्चा आगे की गई है। दशमलव का अन्य संख्या परिवर्तनों में परिवर्तन, दशमलव का बाइनरी में परिवर्तन, दशमलव पूर्णांक को बाइनरी में बदलने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स का अनुसरण करना होगा। स्टेप 1, दशमलव को बाइनरी संख्या में परिवर्तित करने के लिए बाइनरी संख्या के आधार 2 से दशमलव संख्या को भाग देते हैं। स्टेप 2, इसमें जो शेषफल आता है उसे दाएं लिख लेते हैं तथा जो भाग फल आता है उसे फिर से 2 से भाग दे देते हैं, तत्पश्चात यही क्रिया दोहराते हैं। स्टेप 3, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि भागफल शून्य ना हो जाए। स्टेप 4, प्राप्त शेषफलों को नीचे से ऊपर क्रम में लिखा जाता है, यही शेषफल दिए गए दशमलव संख्या के तुल्य बाइनरी संख्या है। फिर आपका दशमलव का बाइनरी में परिवर्तन, दशमलव भिन्नांक को बाइनरी में बदलने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स का अनुसरण करना चाहिए। स्टेप 1, दशमलव बिंदु वाली दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बदलने के लिए हम दशमलव संख्या को बाइनरी के आधार चिन्ह 2 से गुणा करते हैं। स्टेप 2, प्राप्त पूर्णांक को दाईं ओर लिखते हैं तथा प्राप्त भिन्नांक को फिर से 2 से गुणा करते हैं, तत्पश्चात यही क्रिया दोहराते हैं। स्टेप 3, यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि या तो भिन्नांक 0 रह जाता है या इच्छुक स्थानों तक बिट भर जाते हैं। स्टेप 4, ये पूर्णांक बाइनरी बिंदु के पश्चात ऊपर से नीचे क्रम में
लिखे जाते हैं। जिस तरह उदाहरण के लिए दशमलव संख्या को बाइनरी में बदलना, 53.6875 कोष्टक बंद आधार 10, 53 पूर्णांक हो गया और ये आपका भिन्नांक हो गया पूर्णांक भाग 53 का बाइनरी। 53 में दो का भाग 26 शेष एक रहा, 26 में दो का 13 शेष जीरो, 13 में दो का भाग दिया शेष एक, 6 में दो का तो जीरो, 2 का 3 में तो एक शेष रहा, 2 का 1 में जीरो शेष 1। इस तरह से बदला जाता है। और जो आपका भिन्नांक भाग होता है दशमलव में, उसे 2 इंटू करते हैं, 1, 2 का इंटू, इसी तरह करते जाएंगे। ठीक है, समीकरण जो 1 आपका बना हुआ था और 2 को जोड़ने पर आपका ये आ जाएगा। बात करते हैं दशमलव का ऑक्टल में परिवर्तन। दशमलव संख्या को ऑक्टल में बदलने की विधि ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार दशमलव संख्या को बाइनरी में बदलने की होती है। अंतर केवल यही होता है, जहां दशमलव संख्या को बाइनरी में बदलने के लिए 2 से बार बार भाग देते हैं, वहीं ऑक्टल में बदलने के लिए 8 से बार बार भाग देते हैं आधार से। ठीक है, पर आपका दशमलव का ऑक्टल में परिवर्तन। दशमलव भिन्नांक को ऑक्टल में बदलने के लिए निम्नलिखित स्टेप का अनुसरण करना है। स्टेप 1, दशमलव बिंदु वाली दशमलव संख्या को ऑक्टल संख्या में बदलने के लिए हम दशमलव संख्या को ऑक्टल के आधार पर चिन्ह 8 से गुणा करते हैं। स्टेप दो पूर्णांक प्राप्त पूर्णांक को दाईं ओर लिखते हैं तथा भिन्न को फिर से 8 से भाग देते हैं, तत्पश्चात यही क्रिया दोहराते हैं। स्टेप 3, यह क्रिया तब तक चलती है जब तक या तो भिन्नांक आपका 0 रह जाता है या ऐच्छिक स्थानों पर बिट भर जाते हैं। स्टेप 4, ये पूर्णांक ऑक्टल बिंदु के पश्चात ऊपर से नीचे क्रम में लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए दशमलव संख्या का ऑक्टल में परिवर्तन, ये आपकी पूर्णांक हो गई 423, 0.03125 आपकी भिन्नांक हो गई। पूर्णांक को पहले हम लोग बदलेंगे, 423 में 8 का भाग दिया, फिर 52 में जो बचा उसमें 8 का भाग दिया। ठीक है, इसी तरह देते रहेंगे। शेष को नीचे से ऊपर क्रम में लिखेंगे, यानी कि जो शेष बचा था इसे इस तरह लिख लेंगे। ये आपका समीकरण 1 बन गया, भिन्नांक भाग का ऑक्टल में परिवर्तन। इसमें गुणा करते रहेंगे, आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे और दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग दशमलव का हेक्सा डेसिमल में परिवर्तन। दशमलव संख्या को हेक्सा डेसिमल में बदलने की विधि ठीक उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार दशमलव संख्या को बाइनरी में बदलने की होती है। अंतर केवल यह होता है कि इसमें 2 की जगह 16 से बार बार भाग देते हैं, जो आपकी आधार संख्या होती है उसी से भाग देते हैं। ठीक है, दशमलव का हेक्सा डेसिमल में परिवर्तन। दशमलव को हेक्सा डेसिमल में बदलने के निम्नलिखित स्टेप का अनुसरण करना होता है, क्या है जी। स्टेप 1, दशमलव बिंदु वाली दशमलव संख्या को हेक्साडेसिमल संख्या में बदलने के लिए हम दशमलव संख्या को हेक्साडेसिमल के आधार पर आधार चिन्ह 16 से गुणा करते हैं। स्टेप 2 में प्राप्त पूर्णांक को दाईं ओर लिखते हैं और भिन्नांक को फिर से 16 से भाग देते हैं, तत्पश्चात यही क्रिया दोहराते हैं। स्टेप 3, यही प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक या तो भिन्नांक 0 रह जाता है या ऐच्छिक स्थानों तक बिट भर जाते हैं। स्टेप 4, ये पूर्णांक हेक्साडेसिमल बिंदु के पश्चात ऊपर से नीचे क्रम में लिखे जाते हैं, ये आपका उदाहरण है। दशमलव संख्या को लिखना है, ये पूर्णांक हो गया। ठीक है, पहले भी हम लोग इस तरह के देख चुके हैं, आप लोग देखते रहिए।
फिर आपका बाइनरी, बाइनरी का अन्य संख्या पद्धतियों में परिवर्तन। बाइनरी पूर्णांक का दशमलव में परिवर्तन, किसी बाइनरी संख्या को दशमलव प्रणाली में परिवर्तित करने के लिए हम प्रत्येक बिट को उनके स्थानीय मान से गुणा करके जोड़ देते हैं, प्राप्त संख्या की बाइनरी का दशमलव में परिवर्तन हो जाता है। बाइनरी का दशमलव में परिवर्तन, बाइनरी बिंदु से हम पहले पूर्णांक के स्थानीय मान दाईं ओर से बाईं ओर दशमलव में क्रमशः 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 आदि होती हैं। बाइनरी बिंदु से दाईं ओर अर्थात भिन्नांक की बिटों के स्थानीय मान क्रमशः 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 आदि होते हैं, अर्थात इस तरह। उदाहरण के लिए ये बाइनरी संख्या का दशमलव में बदलना है, ये पूर्णांक हो गया, ये भिन्नांक। संकेत मान अंकों के मान और स्थानीय मान हो गए और बाइनरी संख्या का मान हो गया जो आपका भिन्नांक है, ये भिन्नांक हो गया। जो आपका समीकरण 2 बढ़ेगा, इन दोनों को जोड़ देना है, इसका मान निकल आएगा। अब है आपका बाइनरी का ऑक्टल में परिवर्तन, बाइनरी जो आपकी संख्या है उसका ऑक्टल में परिवर्तन। चूंकि बाइनरी संख्या का आधार 2 और ऑक्टल संख्या का आधार 8 होता है, तो हम जानते हैं कि 8 = 2 × 2 × 2 = 2 × 3। इसलिए प्रत्येक ऑक्टल अंक को 3 बाइनरी अंकों अर्थात बिटों में बदल सकते हैं और लगातार 3 बिटों की प्रत्येक समूह को एक ऑक्टल संख्या में बदला जा सकता है। बाइनरी का ऑक्टल में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित सूची का प्रयोग किया जाता है, देख लीजिए। ऑक्टल अंक और ये आपके बाइनरी अंक, 0 को कैसे लिखते हैं बाइनरी में, 001, 1 को 001, 7 को 111। इस सूची की सहायता से किसी भी बाइनरी संख्या को सरलता से ऑक्टल में परिवर्तित किया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित स्टेप्स का अनुसरण करना चाहिए। स्टेप 1, दी गई बाइनरी संख्या के दाईं ओर से 3 बिटों के समूह बनाते हैं। स्टेप 2, आवश्यकता पड़ने पर सबसे बाईं ओर 3 बिट का समूह पूरा करने के लिए शून्य अंक बढ़ाए जा सकते हैं। स्टेप 3, तत्पश्चात प्रत्येक समूह के अनुसार ऑक्टल अंक का मान रखते हैं। फिर आपका बाइनरी का ऑक्टल में परिवर्तन, बाइनरी को ऑक्टल में परिवर्तित करने के लिए ऊपर दी गई सारणी का ही प्रयोग किया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित स्टेप्स का अनुसरण करें। स्टेप 1, दी गई संख्या में बाइनरी बिंदु की बाईं ओर से 3 बिटों के समूह बनाते हैं। स्टेप 2, आवश्यकता पड़ने पर सबसे दाईं ओर शून्य अंक बढ़ाए जा सकते हैं। स्टेप 3, तत्पश्चात प्रत्येक समूह के अनुसार ऑक्टल अंक का मान रखते हैं। उदाहरण के लिए बाइनरी संख्या का ऑक्टल में परिवर्तन इस तरह, 3 बिटों का समूह, 3 बिटों के समूह का पूरा करने के लिए। शुरुआत करते हैं हम लोग बाइनरी का हेक्सा में परिवर्तन। चूंकि बाइनरी संख्या का आधार 2 है तथा हेक्सा डेसिमल संख्या का आधार 16 है, तो हम जानते हैं कि 16 को इस तरह से लिख लेंगे 2 की पावर 4। प्रत्येक हेक्सा डेसिमल अंक को 4 बाइनरी अंकों अर्थात बिटों में बदल सकते हैं और लगातार 4 बिटों के प्रत्येक समूह को एक हेक्सा डेसिमल संख्या में बदला जा सकता है। बाइनरी हेक्सा डेसिमल में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित सूची का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सभी हेक्सा डेसिमल संख्या के बराबर 4 बाइनरी अंक दिए हैं। ये आपके हेक्सा डेसिमल अंक हो गए बाइनरी अंक, 0 को 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 को 0 0 0 1, इस तरह से लिख सकते हैं। 8 को आपका इस तरह से 1 0 0 0। इस सूची की सहायता से जो हम लोगों ने ऊपर देखी है, किसी भी बाइनरी संख्या को सरलता से हेक्साडेसिमल में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित आपको स्टेप्स का अनुसरण पालन करना होगा। स्टेप 1,
दी गई बाइनरी संख्या के दाईं ओर से चार चार बिटों के समूह बनाते हैं। स्टेप दो में आवश्यकता पड़ने पर सबसे बाईं ओर शून्य अंक बढ़ाया जा सकता है। स्टेप तीन में तत्पश्चात प्रत्येक समूह के अनुसार हेक्साडेसिमल का मान रखते हैं। फिर आपका बाइनरी का हेक्साडेसिमल में परिवर्तन। बाइनरी को हेक्साडेसिमल में परिवर्तित करने के लिए ऊपर दी गई सारणी दो का ही प्रयोग करते हैं, जो अभी हम लोगों ने देखी थी। इसके लिए निम्नलिखित स्टेप्स का अनुसरण करते हैं। दी गई संख्या बाईं ओर से चार चार बिटों के समूह बनाते हैं। स्टेप दो, आवश्यकता पड़ने पर सबसे दाई ओर शून्य अंक बढ़ाए जा सकते हैं। स्टेप तीन, तत्पश्चात प्रत्येक समूह के अनुसार हेक्साडेसिमल का मान रखते हैं। उदाहरण के लिए बाइनरी संख्या का हेक्सा में परिवर्तन। बाईं संख्या को हेक्सा डेसिमल या ऑक्टन में बदलने के लिए पहले इन्हें डेसिमल संख्या में बदलकर फिर हेक्सा डेसिमल ऑक्टल संख्या में बदल सकते हैं। ठीक है, ऑक्टल का अन्य संख्या पद्धतियों में परिवर्तन। ऑक्टल का दशमलव में परिवर्तन, ये विधि भी ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार बाइनरी का दशमलव परिमर में परिवर्तन, जिसमें दो की जगह आठ अंक की बढ़ते हुए क्रम से में गुणा करते हैं। ऑक्टल का दशमलव में परिवर्तन, ऑक्टल बिंदु से पहले अर्थात पूर्णांक के स्थानीय मान दाईं ओर से बाईं ओर दशमलव में क्रमशः 1864, 512, 4096 आदि होते हैं। दाईं ओर अर्थात भिन्नांक के अंकों के स्थानीय मान क्रमशः 10^8, 8^1, 8^2, 8^3 .. आदि होंगे, अर्थात 0.125, 0.01, 15625 इस तरह से होंगे। उदाहरण के लिए ऑक्टल संख्या को दशमलव में बदलना पूर्णांक, या आपका पूर्णांक हो गया और दशमलव वाली संख्या होगी। संकेत मान, अंकों के मान, स्थानीय मान, बाइनरी संख्या। इसी तरह आप लोग भिन्नता भाग को जो दशमलव में उसे बदल ले। बात करते हैं ऑक्टल और भिन्नांक का बाइनरी में परिवर्तन। ऑक्टल का बाइनरी में परिवर्तन अत्यधिक सरल है। इसमें केवल प्रत्येक ऑक्टल अंक के स्थान पर उसके बराबर तीन बिटों का समूह लिख देते हैं। उदाहरण के लिए संख्या जो आपकी 325.614 का बाइनरी में परिवर्तन। ऑक्टल को बाइनरी में बदलने के लिए दी गई संख्या को पहले दशमलव संख्या में बदलते हैं, जिसके बाद उसे बाइनरी में बदल सकते हैं। फिर आपका ऑक्टल संख्या का हेक्साडेसिमल में परिवर्तन। ऑक्टल संख्या को हेक्साडेसिमल संख्या में बदलने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग करते हैं। दी गई ऑक्टल संख्या के प्रत्येक अंक को बाइनरी में बदलते हैं। पुनः प्राप्त बाइनरी संख्या को हेक्साडेसिमल संख्या में बदलते हैं। उदाहरण के लिए हेक्सा को डेसिमल संख्या में बदलो इस तरह। पहले से बाइनरी में बदल लेंगे। ठीक है, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए एक और विधि का प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें ऑक्टल को पहले दशमलव में फिर दशमलव से हेक्साडेसिमल में परिवर्तित किया जाता है। हेक्साडेसिमल का अन्य संख्याओं में परिवर्तन। हेक्साडेसिमल का दशमलव में परिवर्तन, यह विधि भी आपकी ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार बाइनरी का दशमलव में परिवर्तन। इसमें दो की जगह 16 के अंकों के बढ़ते हुए क्रम में गुणा करते हैं। उदाहरण के लिए हेक्साडेसिमल दशमलव में परिवर्तन। इसी प्रकार हेक्साडेसिमल भिन्नांक का परिवर्तन भी उसी प्रकार कर सकते हैं जिस प्रकार बाइनरी भिन्नांक का दशमलव में परिवर्तन करते हैं, परंतु दो की जगह आपका 16 का प्रयोग करते हैं इसमें। ठीक है, फिर आपका हेक्साडेसिमल का बाइनरी में परिवर्तन। हेक्साडेसिमल का बाइनरी में परिवर्तन अत्यधिक सरल है। इसमें केवल प्रत्येक हेक्साडेसिमल के स्थान पर उसके बराबर चार बिटों का समूह लिख देते हैं। हेक्साडेसिमल 7D7A का बाइनरी में परिवर्तन इस तरह से। इसी प्रकार हेक्साडेसिमल को भी बाइनरी में बदला जा सकता है। फिर आपका हेक्साडेसिमल संख्या का ऑक्टल संख्या में परिवर्तन।
हेक्साडेसिमल संख्या को ऑक्टल संख्या में बदलने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स का प्रयोग करते हैं। दी हुई हेक्साडेसिमल संख्या के प्रत्येक अंक को बाइनरी संख्या में बदलो। स्टेप दो में प्राप्त बाइनरी संख्या को ऑक्टल संख्या में बदलो। उदाहरण के लिए आपका ऑक्टल संख्या में बदल गया। वन डे एग्जाम में आपके इस तरह के नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये लिखित में पूछे जाएंगे, कोई भी परीक्षा होती है। हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में बदलने के लिए एक और विधि का प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें हेक्साडेसिमल को पहले दशमलव में फिर दशमलव को ऑक्टल में परिवर्तित किया जा सकता है। यह आपका पूरा कोर्स हो गया एक तरह से, पता है। तो हमें अब फिर से बोल देता हूँ, वही मॉक टेस्ट जो हम लोग लगाएंगे वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस देना है। ये तो अगर आप लोग कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। कंप्यूटर प्रत्येक प्रकार के कैरेक्टर जैसे कि अल्फाबेट, बिट संख्या या कोई चिन्ह स्टोर कर सकता है। इन सभी कैरेक्टरों के निरूपण के लिए बाइनरी संख्या पद्धति पर आधारित एक विशेष प्रकार के कोड की आवश्यकता है, जिसे हम लोग कंप्यूटर कोड कहते हैं। कंप्यूटर कोड विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ निम्नलिखित हैं। क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। बीसीडी कोड में प्रत्येक अंक को प्रस्तुत करने के लिए चार बिट्स के समूह का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग 0 से 9 तक की संख्या को चार बिट्स की बाइनरी संख्या में निरूपित करने के लिए करते हैं। बीसीडी सिस्टम में किसी संख्या के आकार की कोई सीमा नहीं होती, अर्थात संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, प्रत्येक अंक को चार बिट्स के समूह में कंप्यूटर में प्रदर्शित करते हैं। फिर आगे आपका जैसे ये दिया गया, इस तरह से, ठीक है। फिर आपका दूसरा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। स्टैंडर्ड कैरेक्टर कोड का प्रयोग किसी प्रोग्राम द्वारा डेटा को स्टोर करने तथा उसका प्रयोग करने के लिए किया जाता है। ASCII कोड को दो प्रकार से के होते हैं। ये आपका पहला है, यह 7-bit स्टैंडर्ड कोड है, जिसके कारण कुल 2^7 बराबर 128 कैरेक्टर को निरूपित किया जाता है। सेकेंड है 8-bit स्टैंडर्ड कोड है, जिसमें 2^8 मतलब 256 प्रकार के कैरेक्टर का को निरूपित किया जा सकता है। यह ASCII सेकंड 7 का बदला हुआ प्रारूप ही है। फिर आपका एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड EBCDIC में कैरेक्टर 8 बिट्स के समूह को से निरूपित होते हैं। इसका प्रयोग किसी भी प्रकार के कंप्यूटर में सूचनाओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें 2^8 बराबर 256 प्रकार के कैरेक्टर को निरूपित किया जा सकता है। BCD सिस्टम IBM कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया था। यूनिकोड में डेटा में किसी संकेत को प्रस्तुत करने के लिए 16 बिट्स का प्रयोग होता है। ये अंग्रेजी के अक्षरों के अलावा किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक संकेत, अनेक प्रकार की भाषा जैसे चाइनीज, जापानीज आदि को भी निरूपित करता है। साइन बिट का प्रयोग किसी संख्या के धनात्मक या ऋणात्मक होने का संकेत है। यह बिट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाती है तथा संख्या के बाइनरी निरूपण में सबसे पहली बिट है। यदि बिट 0 हो तो संख्या धनात्मक, और यदि बिट 1 है तो संख्या आपकी ऋणात्मक। तो इस तरह आपका था 5वां चैप्टर डेटा निरूपण। 6वें चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। किसके? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में।